कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने हरदा हादसे को लेकर कहा, यह हादसा दुखद है। कांग्रेस इस मामले को विधानसभा में प्राथमिकता से उठाएगी। जब प्रशासन ने पटाखा फैक्ट्री की मान्यता रद्द कर दी थी, इसके बावजूद बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से फैक्ट्री संचालित हो रही है। कांग्रेस इस मामले में सीएम मोहन यादव से स्पष्टीकरण देने की मांग करती है। अभी एक महीना पहले ही गुना बस हादसा हुआ था, उस मामले में भी सरकार ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, पेटलावद मामले में भी बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। ही दुखद घटना है। इतना बड़ा वहाँ विस्फोट हुआ है कि जो खबरें मिल रही हैं कि 11 से अधिक मृत्यु हो चुकी हैं, उसमें लगभग 200 लोग घायल हैं। और यही नहीं बल्कि शायद घटनास्थल के आसपास भी अनेकों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अनेकों लोग बेघर हो गए हैं। और अभी भी इस पूरी घटना के सही आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे विषय में यह है कि कुछ साल पहले ही उक्त फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया गया था, उसके बावजूद भी फैक्ट्री क्यों चालू थी। इस पर हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण दें, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि शायद 2022 में भी SDM द्वारा फैक्ट्री को निरस्त का जो भी लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिया गया था, उसके बावजूद पिछले 1.5-2 साल से फैक्ट्री संचालित थी। कारण क्या है इसका? कहीं ना कहीं मिली भगत है। भाजपा सरकार पिछले 20 में से 18 साल सत्ता में है और कहीं ना कहीं जो नीचे अधिकारी हैं वो आलस में आ गए हैं। आवश्यक रूप से हमने कल चर्चा की थी हमारी विधायक दल की बैठक में, जहाँ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघा जी ने तय किया है कि हरदा में जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इस बिंदु को हम रखेंगे प्राथमिकता के तौर पे इस पूरे विधानसभा के अंतर्गत, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। हम ये ना भूले कि लगभग एक महीने पहले ही गुना में भी जो बस हादसा हुआ था, जिसमें 20 अधिक लोग जल गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, अभी तक उस बस के जो मालिक है उन पर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई।